रोल रोल रोल। अरे बस रोल चैलेंज बताइए, बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है, क्या ग्राउंड बताया कोर्ट ने और क्या ये आपके मुश्किल के हिसाब से झटका है? झटका नहीं है, जो भी मेन ग्राउंड है वो अभी तक माननीय न्यायाधीश महोदय ने ऑर्डर रिलीज नहीं किया है। दोनों पक्षों के वकील को बुला के इतना ही कहा है कि इन माय कंसिडर्ड ओपिनियन तुनिशा ब्रेकअप की जो एडमिटेड पोजीशन है, नेक्स्ट डे उनको पैनिक अटैक आया, अटैक के बाद से अपसेट रहने लगी है। अपसेट रहने के बाद जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ है उस दिन शीजान के साथ में वो लास्ट में सीसीटीवी फुटेज में दिखी गई है, जिस वजह से इन माय कंसिडर ओपिनियन अभी के लिए मैं बेल रिजेक्ट कर रहा हूँ। केस प्रभावित हो सकता है, बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कि केस प्रभावित हो सकता है, किस वजह से कुछ तथ्य होंगे, कुछ ऐसी बातें होंगी जो शीजान को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं? देखिए केस प्रभावित किसी भी एंगल से होने वाली है नहीं, क्योंकि जो तथ्य हमने आर्गुमेंट में रखे थे अभी उसमें से क्या कंसिडर हुआ है क्या कंसिडर नहीं हुआ है उसकी तो मुझे जानकारी है नहीं। जब हमारे पास सर्टिफाइड कॉपी ऑर्डर आएगी तब हमें उसकी जानकारी मिलेगी। मेरे बट 23 को क्या एपिसोड हुआ, उसकी माता जी को बुला के क्या बोला गया, ये सब चीज़ें भी हमने कोर्ट के सामने रखी थी। बट जितना मेरा ऐसा अनुमान है, पुलिस के से या डे वन से जो एक नरेटिव सेट हुआ था उस नरेटिव के बेस पे मेरा ऑर्डर रिजेक्ट हुआ है। बट मेरिट पे मेरे केस में बहुत ही दम है, जो उचित करना होगा हम करेंगे। अभी हाई कोर्ट जाएंगे क्या आप लोग, क्या कब जाएंगे, क्या हाई कोर्ट जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। किस तरह की उम्मीदें हैं हाई कोर्ट से? देखिए उम्मीद तो मुझे यहीं पे थी, लेकिन यहाँ पे अगर वो बेल रिजेक्ट भी हुआ है, हाईकोर्ट के सामने सभी तथ्यों को रखते हैं, उल्टा अभी हाईकोर्ट के सामने जब हम तथ्यों को रखेंगे तो जो लास्ट कॉल उनकी माता जी के साथ में हुआ है, जो मैंने टिंडर वाला एक मुद्दा उठाया था, ये सभी पक्षों को जब रखूँगा, प्लस एक नया है कि तुनिशा का लैपटॉप आज तक रिकवर हुआ नहीं है, तो जब ये सारे तथ्य हम हाईकोर्ट में रखेंगे उचित निर्णय न्यायाधीश महोदय लेंगे हाईकोर्ट जी। एक जो वसई विरार के पुलिस आयुक्त हैं उनको वनिता शर्मा ने एक पत्र लिखकर मांग किया है कि शीजान की मां को भी इस केस में आरोपी बनाया जाए, और कमिश्नर ने ये भी कहा है कि इस मामले में वाली पुलिस जांच करे। किस तरह से देखते हैं इस कदम को, जो आरोप बनाया है, जो आपकी ही दलील को आधार बनाया है, तो आपने कहा था कि तुनिशा एक दवाई लेती है, दवाई जो मामला था उसको बढ़ाने वो जो डॉक्टर है वो शीजान की मां ने सजेस्ट किया। देखिए अभी आपके माध्यम से अगर ये जानकारी मुझे मिली है तो इसके ऊपर मैं कह दूं, डे वन से हम कहीं गए नहीं हैं, जब जब पुलिस ने हमको बुलाया है, उनकी माता जी हो, उनकी बहनें हो, सभी पुलिस स्टेशन गए हैं, अपना अपना बयान रिकॉर्ड कर चुके हैं, जो तथ्य हमने कोर्ट के सामने रखे हैं वो व्हाट्सअप मेरा नहीं है, वो व्हाट्सअप वनिता शर्मा जी का है। दिशा भूल कर रहे हैं, करने दीजिए, बुलाया जाएगा इन्वेस्टिगेशन में, हम इन्वेस्टिगेशन पूरा कॉपरेट करेंगे, किए भी हैं और करते भी रहेंगे। एक लास्ट सेम थियरी वाली बात को ये कहा गया कि आखिरी पर्सन जिसने प्रत्यक्ष रूप से देखा था वो शीजान था तुनिशा को, लेकिन आपने कोर्ट में दलील दी थी कि दो और लोग थे जिनकी फ़ोन पर बातचीत हुई थी, एक अली और वनिता शर्मा से फ़ोन पर बातचीत हुई, क्या उसे कंसीडर नहीं किया गया, एक महत्वपूर्ण मुद्दा था? देखिए कोर्ट की जो भी अभी मेरिट्स पे ऑर्डर आई हैं उसके कमेंट नहीं करते हैं, बट जो मेरे पक्षों को रखा गया था अगर कंसिडर हुआ नहीं हुआ, जब ऑर्डर की कॉपी आएगी तब जानकारी होगी, लेकिन ये सारे पक्ष हम दोबारा हाईकोर्ट में रखेंगे। थैंक यू सर।